ओ दोस्तों, लाइफ में कभी तीन चीजों की तरफ मत भागना। ओए अंकल जी, क्या डांस कर रहे हैं भाई? राम राम। तो भाई, छोटों को हेलो, बड़ों को सलाम, सभी दर्शकों को अपनी राम राम। तो यार, नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो अभी हम निकले हैं मसूरी एक्सप्लोर पे। ये अगर पहाड़ वाली जगह में भाई धूप मिल जाए तो भाई इससे अच्छी तो कुछ बात हो ही नहीं सकती। तो यार, अभी यहाँ थोड़ी देर हम धूप सेक लेते हैं। तो ये दोस्तों, अभी हम हैं नहा के बिल्कुल रेडी, और ये अपना कुछ आउटफिट है। अभी आप इस एपिसोड में बने रहें जिससे आपको पता लगे कि हम क्या क्या जगह एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, ताकि आप भी फ्यूचर में यहाँ पे आके घूम सकें। अभी हम यहाँ से जा रहे हैं लाइब्रेरी चौक की तरफ, और वो यहाँ से अराउंड 1.5 किलोमीटर है। तो वहाँ तक का बढ़िया ट्रैकिंग टाइप सी हो जाएगी। तो अभी इसी का मज़ा लेते हैं थोड़ा। जिस टाइम हम आए थे एक भी शॉप नहीं खुली थी, अभी धीरे धीरे सारी शॉप्स वगैरह खुल रही हैं। भाई पहाड़ हैं तो भाई मैगी वगैरह के स्टॉल तो आपको हर जगह ही दिख जाएंगे यहाँ पे। और भाई पहाड़ों पे आए हो तो मैगी जरूर खाना, क्योंकि भाई फिर वो वाली रील बना पाओगे। फिर आते हैं वो लोग जिन्होंने पहाड़ पे मैगी खाई होती है। धीरे धीरे सारी दुकानें खुल चुकी हैं यहाँ पे। आप कुछ शॉप वगैरह करना चाहते हो तो आराम से कर सकते हो। अभी थोड़ा कैंटी फॉल साइड चलते हैं। तो भाई पहाड़ हैं तो भाई नज़ारे तो आपको देखने को मिलेंगे। भाई जहाँ नज़र घुमाओगे वहीं पर नज़ारा है। जिस टाइम हम आए थे तो हवा चल रही थी और काफ़ी मतलब सर्दी वाला मौसम हो रहा था। अभी अच्छी खासी धूप निकल आई है और भाई मज़ा सा आ रहा है। अभी थोड़ा मनमोहक सा दृश्य हो गया है और भी काफ़ी सुहावना मौसम हो चुका है। तो अभी मौसम का भी आनंद ले रहे हैं धीरे धीरे, और चलते जा रहे हैं अभी। तो भैया के पास यहाँ पे भाई रेंटेड स्कूटी वगैरह मिल जाएंगी। भैया, स्कूटी का प्राइस क्या रहता है यहाँ पे? 500 रहता है एक दिन का। तो भैया यहाँ पे भाई नमकीन वगैरह सेल कर रहे हैं। ये भाई नीचे से रोड जा रही है, इस पर भी बहुत सारी शॉप वगैरह हैं। स्कूटी तो भाई जगह जगह दिख जाएगी। तो यार यहाँ पे फूड जंक्शन वगैरह, यहाँ पे मंदिर का नज़ारा भी आप देख सकते हो। तो मंदिर के जस्ट बाद यहाँ पे गुरुद्वारा है। रिक्शा वगैरह चलती है यहाँ पे अलग अलग जगह जाने के लिए, तो आप इनमें भी जा सकते हो, कंपनी गार्डन वगैरह। ये लाइब्रेरी चौक आ गया ना भाई। यार खाओ, अब खाओ भाई, मौज लो। टूरिस्ट को लुभाने के लिए इधर रिश्ते है, जहाँ पे लोग अपना फोटो वोटो खिंचवाते हैं। अभी जो मतलब टैक्सी स्टैंड है उसकी तरफ जा रहे हैं, वहाँ पे कोई टैक्सी वैक्सी ढूंढेंगे। तो भाई यहाँ पे रेस्टोरेंट वगैरह दुकानें वगैरह काफ़ी सारी हैं, आप अपना खाना वगैरह एंजॉय कर सकते हैं। अभी टैक्सी स्टैंड की तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, शायद आ ही गया टैक्सी स्टैंड। और यहाँ पे देखते हैं अभी कैंटी फॉल का नज़ारा लेने चलेंगे। तो भाई दोस्तों, लाइफ में कभी तीन चीज़ों की तरफ मत भागना, बस, ट्रेन और टैक्सी, क्योंकि ये खड़ी मिल जाएंगी। अभी ढूंढते हैं कोई खड़ी टैक्सी मिल जाए। लोग नज़ारे तो लेते रहो यार, नज़ारे नहीं रुकने चाहिए, आपकी पलक नहीं झपकनी चाहिए पूरी वीडियो में। जितना आगे पहुंचते हैं वो और ही आगे भेज देते हैं कि भी और आगे जाओ। अब पता नहीं भाई कहाँ पे है ये टैक्सी स्टैंड। हाँ, दिख तो रही है अभी गाड़ियाँ वाड़ियाँ आगे भी। अभी आपको दिखाता हूँ थोड़ा, वो भैया आगे आपको दिखाई दे रहा होगा टैक्सी स्टैंड, वहाँ पे शेयरिंग वाली टैक्सी वगैरह होंगी। तो ये है यहाँ पे टैक्सी स्टैंड, इनसे एक बार बात करते हैं कि क्या कुछ प्राइस रहता है। तो दोस्तों, ओमनी में बैठ के कैंप्टी फॉल के लिए निकल पड़े हैं। तो भाई साहिल, कैसा फील हो रहा है? मैं तो पहली बार जा रहा हूँ, कुछ नया एक्सपीरियंस है। भाई नया एक्सपीरियंस तो होगा ही। अभी कैब का मैं प्राइस भी बताऊंगा हमने कितने में की है। इसका प्राइस हमें पड़ा है भाई 1000 रुपये आने जाने का, दो बंदों का, तो मतलब 500 पर हेड। एक बार तो सोच रहे थे यार कि कैंप्टी फॉल ला जाए, पर भाई ठीक है यार, मसूरी आए और कैंप्टी फॉल ले गए, ये तो फिर क्या ही फायदा। वाह वाह यार, कितने अच्छे अच्छे शानदार शानदार पेड़ हैं। तो भाई पेड़ पौधे लगाएं और भाई प्रकृति को बचाएं। अरे वाह यार, बादल बादल का तो भाई क्या ही कहना है, बिल्कुल रुई की तरह दिखाई दे रहे हैं यार, बिल्कुल कॉटन कैंडी की तरह भी लग रहे हैं, काफ़ी क्लियर है यार। ओए होए होए, कितना सोना तुझे रब ने बनाया, जी करे देखता रहूं। भाई जगह जगह इतने मैगी पॉइंट है, इतने मैगी पॉइंट है, बस क्या ही कहें। अंकल जी भाई पहाड़ों के मजे हुए खिलाड़ी हैं, भाई पहाड़ों के मजे हुए ड्राइवर हैं। अंकल जी कितने साल से चला रहे हो? 30-35 साल। इन घुमावदार रोडों पे आप एक बार चला के देखना, यहाँ पे इतने टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं कि वैसे ही दिमाग चकरा जाए। गाड़ी तो चकराएगी या आपका दिमाग भी चकरा जाएगा। सबसे महंगा होटल ये कौन सा होटल अंकल जी? JW Marriott। कितना क्या प्राइस रहता है यहाँ एक रात रुकने का? 21,000 से शुरू है। 21,000 से स्टार्ट है। चाय की बात करें, चाय का प्राइस क्या रहेगा? चाय 1,000 रुपए का। ओ तेरी भाई, 1,000 की चाय कौन पिएगा यहाँ पे? स्टाफ है ना यहाँ का। हाँ जी हाँ जी। मैंने कहा भाई क्या डालते हो चाय में? सही बात है, क्या सोना चांदी डालते हो क्या? मैंने कहा उसमें बना तो देखो, उसका हम भी बनाएंगे। मैंने कहा तुम 1,000 का यार, हम तो चल 300 का दे देंगे। सही बात है, भाई काफी महंगा होटल है ये तो। फिर अंकल जी, मसूरी मतलब शहर है, गांव है, क्या है?
है तो शहरी में, इसके दूर दूर जो है कि गाँव भी है, वो हो गया केम्प्टी फॉल हो गया, केम्प्टी जो है कि गाँव का नाम है, केम्प्टी गाँव है और वहाँ पे वाटरफॉल है, सारे अंग्रेज वो था, ये हो गया नैनीताल हो गया, अपना हो गया, हाँ हाँ, तो पहले अंग्रेजी लोग कितना था उधर ही, और मान रोड में चार बजे के बाद में हम लोगों को अलाउ नहीं था, अंग्रेजी घूमते थे बस, घूमती दुनिया है पर इन चीजों का नहीं पता लोगों को। केम्प्टी फॉल पे उतर चुके हैं, अभी आगे चलते हैं केम्प्टी फॉल की तरफ, और ये केम्प्टी फॉल वाला ही रोड है जिस पे हम उतरे हैं अभी, तो अभी आगे जाके देखते हैं, आपको दिखाते हैं वहाँ का मनमोहक दृश्य। तो वह पहाड़ों पे आए और भुट्टा ना खाए भाई, ऐसा तो ही नहीं सकता। मीठा वाला भी मिल जाएगा आपको, स्वीट कॉर्न, और ये वाला भुट्टा भी है। ये वाटरफॉल चल रहा है यहाँ पे, क्या दृश्य है भाई, क्या दृश्य है भाई, आप देख पा रहे हो भाई, ये भाई पीछे दृश्य है, ये बह रहा अपना भाई वाटरफॉल, तो भाई ये दूध नहीं, आप दूध सोच रहे हो पानी है भाई। भाई भुट्टा वैसे ठंडा है भाई, पहाड़ों पे इंसान ठंडा पड़ जाए तो फिर भी भुट्टा है। ये भुट्टा भाई 40 रुपए का पड़ा है, पीछे झरना और भाई यहाँ पे भुट्टा, ये भाई दुकानें हर तरह की मिल जाएंगी आपको जगह जगह पे, मैं कहीं कॉफी या चाय ढूंढूंगा अभी। दोस्तों यार आप ये क्यों कह रहे हो कि इधर से नहीं आ रहे, लो इधर से लो, खुश रहो भाई, दुखी तो दुनिया है। तो वह हम आए केम्प्टी फॉल टी स्टॉल पे, देखते हैं कि चाय कैसी क्या रहती है, अभी चाय पीते हैं अभी यहाँ पे, और चाय का थोड़ा आनंद लेते हैं। मैंने थोड़ी कड़क चाय बोली है भाई, थोड़ी सर्दी खांसी और मलेरिया हुआ, तू तो गया यार, तुझको लवेरिया हुआ, तो चाय की टेस्टिंग करता हूँ, बताता हूँ कि भाई केम्प्टी फॉल टी स्टॉल की चाय कैसी है। ओए होए होए भगवान कसम भाई, बहुत ही अल्टीमेट चाय, आप यहाँ पे आके चाय जरूर पीना भैया, मसूरी की अब तक की सबसे बेस्ट चाय थी। थैंक यू सर, तो भैया आपके हाथों में जादू है, चाय में मजा आ गया बिल्कुल। थैंक यू सर। चाय का भैया प्राइस क्या है? अच्छा अच्छा, डिस्पोजल में 20 रुपए की है, और अगर आप ये कप में पीना चाहते हो तो इसमें 25 की है भाई, कप वाली पीना यार, मजा आ गया मतलब यहाँ पे। तो यहाँ पे शानदार और मनमोहक दृश्य आप पीछे देख सकते हो और आप नीचे देख सकते हो भाई, मजा ही मजा। तो मैं दोस्तों सीढ़िया सीढ़िया चढ़ रहे हैं, इतनी सीढ़िया तो भाई शाहरुख खान ने चेन्नई एक्सप्रेस मूवी में भी नहीं चढ़ी थी भाई, जितनी हमें चढ़नी पड़ रही है। तो भाई पर भाई मजा तो आ रहा है, क्योंकि यार वाटरफॉल का मनमोहक दृश्य जब सामने आएगा ना तो अलग ही फन होगा भाई साहब, क्या बात है, अलग लेवल। भैया यहाँ पे काम करें, भैया किस चीज़ का काम चल रहा है, किस चीज़ का काम चल रहा है? अच्छा सफाई वगैरह, भाई क्या बात है यार, यहाँ पे सफाई हमेशा चलती रहती है, तो क्या बात है यार, जो भी आपके पास स्रोत हैं वाटर वगैरह के तो उनका ख्याल रखा जा रहा है, कितनी अच्छी बात है। अभी चल रहे हैं नीचे की ओर, ऊपर का नज़ारा ले लिया भाई, क्या ही अल्टीमेट नज़ारा था, यहाँ से भी आप देख सकते हो यार कितना अल्टीमेट सा व्यू है। तो भी अभी नीचे चलते हैं, तो यार अभी हम गए थे ऊपर वाले वाटरफॉल में, अभी चलते हैं नीचे वाले में, तो वहाँ पे आपको नज़ारा दिखाता हूँ। तो यार यहाँ पे देखना, अभी ये यहाँ का रास्ता है नीचे का, भाई पहाड़ों के रास्ते ही बहुत अमेजिंग होते हैं, वहाँ पे चलने का ही मज़ा अलग है। यहाँ पे भाई ड्रेस वगैरह में अगर आपको फ़ोटो वोटो खिंचवानी हो तो वो भी करवा सकते हैं। तो भाई रास्ते बिल्कुल सीधे सीधे से हैं भाई, यहाँ से केम्प्टी फॉल का रास्ता है, ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इसके सामने एंटिक चीज़ों की दुकानें हैं और आप यहाँ से जा सकते हो नीचे, ये आपको बहुत सारी दुकानें मिलेंगी जहाँ पे आप फोटो वोटो खिंचवा सकते हो। वो यार यहाँ पे थोड़ी बहुत भीड़ दिखी, ढोल वगैरह, यहाँ पे स्पेक्स वगैरह मिल जाएंगे, कैप वगैरह, हर चीज़ अवेलेबल है भाई। ये भाई गेम खेलो इनाम जीतो, तो बहुत सारे गेम वेम अवेलेबल है बच्चों के लिए भी। और भाई चलते जाओ, काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें दिखती जाएंगी। ये चेयर है भाई, लेटो इस पर आराम से, ये एंटिक चीज़ों की दुकान है भाई। सीढ़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं यार, जितना चलते हैं उतनी सीढ़ियाँ बढ़ती जाती हैं, समझ ही नहीं आ रहा कब ख़त्म होंगी। कितनी सीढ़ियाँ और बची हैं भैया, कितनी सीढ़ियाँ और बची हैं, जितना चलते जा रहे हैं उतनी सीढ़ियाँ बढ़ती जा रही हैं यार। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, ये बैठने के लिए भाई, कोई थक जाए तो मेरे जैसा बूढ़ा आदमी। पैरों में दर्द होने लग गया भाई, इतना दर्द हो रहा है भाई जैसे बिच्छू काट रहे हैं यार, समझ नहीं आ रहा, इतना चल लिया आज तो। तो भाई जब भी मतलब मसूरी वगैरह आएँ तो भाई स्पोर्ट्स शूज़ पहन के आएँ भाई, जो ज़्यादा कंफर्टेबल हो, वरना भाई आपकी ऐसी वाट लगेगी, ऐसी वाट लगेगी
किसी ने सोची ना होगी। फाइनली हम कैंपटी फॉल के पास पहुंच चुके हैं, अभी आपको दिखाते हैं यहाँ का अल्टीमेट सा व्यू। तो भाई जितना हमने अपने पैरों को मतलब कष्ट दिया है, क्या ये व्यू उसको भाई जस्टिफाई करता है? अभी आपको ये दिखाने की बारी आई है, अभी आपको दिखाता हूँ। क्या बात है भाई, अल्टीमेट नजारे भाई, और मुंह में भाई हल्की हल्की पानी की बूंदें आ रही हैं, उनसे मजा अलग लेवल हो जा रहा है। तो भाई इस व्यू को जितना देख सको उतना देखना, कहीं घर पे जाने के बाद आपकी आंखें ये ना कहते कि भी कम रह गया। क्या बात है। और भाई मेरा यहाँ पे थर्ड टाइम विजिट है, और अभी मेरे को वैसा ही अनुभव हो रहा है जैसा मेरे को पहली बार में हुआ था। हाँ यार दोस्तों, इस व्यू को छोड़ के जाने का मन नहीं करता। बाय बाय वाटरफॉल, फिर मिलते हैं कभी। तो अभी कैंपटी वाटरफॉल से थोड़ा सा ऊपर आए हैं। तो भाई साहिल कैसा नजर आया, मतलब भाई कुदरत की अलग ही करिश्मा है। ऐसा लग रहा भाई साक्षात स्वर्ग के मतलब दर्शन हो गए भाई। तो यार अभी हमें 500 सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाना है। अभी ये टास्क खत्म करते हैं और भाई अपने होटल की ओर रवाना होते हैं। भाई साहब इतने ज़ोरदार पैर दर्द हो गए ना, ऐसा लग रहा है अब तो कोई फरिश्ता ही आ सकता है जो भाई उठा के ऊपर तक ले जाए, हमसे तो नहीं चला जा रहा। भाई जो ज़्यादा बर्गेनिंग करेगा उसके लिए भैया ने एक तोप रख रखी है, सीधा तोप से उड़ा दिया जाएगा। वो भैया स्विमिंग पूल कितना अच्छा दिखाई दे रहा भाई यहाँ से। तो भाई ये सफ़र थकावट भरा था पर काफ़ी वर्थ इट था, पूरे हो गए वैसे तो, पर थकान भी ज़्यादा हो गई। वो यार थकान तो कुछ देर की कहानी है, पर भाई ये जो हमने व्यू कैप्चर किया है ये ज़िंदगी भर के लिए हो गया। वो अंकल जी क्या डांस कर रहे हैं भाई, पैसे गिन रहे हैं, डांस कर रहे हैं। यहाँ भी आ सकते हैं बालाजी छोले कुलचे में, अंकल जी काफ़ी भाई मज़ेदार इंसान है। वो कैंपटी फॉल देख चुके हैं, पर भाई कैंपटी फॉल देखने के बाद भैया के पास दोबारा आ चुके हैं। भैया के पास भाई मैगी होती है बहुत बढ़िया, अब वो टेस्ट करने वाले हम। आपकी मैगी भैया कहाँ तक फेमस है? भाई पूरे वर्ल्ड में फेमस है, लोग भैया के से रेसिपी लेके जाते हैं। अगर कोई आना चाहे तो क्या लोकेशन रहेगी पुल से? मेन पुल। तो भाई मेन पुल पे हैं भैया। यार भाई चाय तो मैंने आपको बताया था बहुत ही बढ़िया है, अभी मैगी खा के देखते हैं हम क्या रहता है। भाई फिर आते हैं वो जिन्होंने पहाड़ों में मैगी खाई होती है भाई, अभी मैगी मंगवा ली, अभी मैगी खा के देखते हैं कि इसका कैसा क्या टेस्ट है। तो भाई मैगी देखो यार क्या ज़बरदस्त दिख रही है। तो यार अब मैगी की बारी है, खाओ मगर प्यार से। तो भाई भूख मार ली गई है। वो भाई मैगी बढ़िया यार। ठीक है भैया, राम राम। मिलते। तो वो चल रही है भाई, अंकल जी अपने कैब लेके आए थे तो इनके साथ ही हम आए हैं। अभी यहाँ पे अपनी कैब खड़ी है, ये वाली है भाई अंकल जी की गाड़ी, जिसमें भाई किडनैपिंग के लिए यूज़ किया जाता है मूवीज वगैरह में। तो भाई यहाँ पे 30 की स्पीड में गाड़ी का होता है भाई, 30 की स्पीड में रखना पड़ता है। और यहाँ पे भाई अपनी गाड़ी चल पड़ी, अपनी सवारी चल पड़ी है, अभी पहुँचते हैं। कितनी देर में पहुँच जाएंगे अंकल जी? आधा घंटा। ठीक है भाई, आधे घंटे अपना सफ़र का मज़ा लेते हैं। जितना देखो उतना कम है भाई, दुनिया में बहुत ज़्यादा कम है। यहाँ के रास्ते बिल्कुल भाई घूमर घूमर हो रहे हैं, आप देख रहे हो बिल्कुल ही घुमावदार रास्ते हैं। तो जो ये सामने होटल देख रहे हो ना, जो ये हरे कलर में दिख रहा है, तो भाई ये होटल यहाँ का सबसे पुराना होटल है, लगभग 50 साल पुराना होटल है भाई ये। पहले शूटिंग भी होती थी, पहले फिल्मों की शूटिंग होती थी। तो भाई घर का चिराग मूवी की शूटिंग भाई इसी होटल में हुई है, जो ग्रीन कलर का था भाई। कितनी शानदार गाड़ी है ये कहाँ पे जा रही है? ये वहीं जाएगी, JW मेरिट। अच्छा JW मेरिट में जाएगी भाई, जो सबसे महंगा होटल लिखाया था वहाँ पे शादी है आज किसी की। और वही इसी पॉइंट पे आ चुके हैं जो अपना टैक्सी पॉइंट था, यहाँ से हमने टैक्सी बुक की थी। तो ये टैक्सी हमने भाई 1000 रुपये में बुक की थी दो बंदों के लिए, अगर आप ज़्यादा हो तो आपको पर हेड कम पड़ेगा। तो ये वापस से भाई अपने लाइब्रेरी चौक रोड पे पहुँच चुके हैं भाई, यहाँ पे गाड़ियों की भरमार है। ठीक है अंकल जी, राम राम। चलो जी अंकल जी चलते हैं भाई, काफ़ी मज़ा आया। दोस्तों इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक करें, शेयर करें, इस पर अच्छा सा कमेंट करें, और ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए भाई सफर विद सैम को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।